बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज बायोलॉजी चैप्टर 26 का जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है डिवीज़न ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की हम डिवीज़न करने लगे हैं। चार टाइप्स हैं इसकी, मेन चार टाइप्स हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की। द फर्स्ट इज़ ग्रासलैंड इकोसिस्टम, नंबर टू डेजर्ट इकोसिस्टम, नंबर थ्री टंड्रा इकोसिस्टम एंड फोर्थ वन इज़ फॉरेस्ट इकोसिस्टम। Forest ecosystem is further subdivided into three system ecosystem. Number one, tropical rainforest, temperate deciduous forest, coniferous alpine and boreal forest. In tamam types ko, char types ko humne discuss karna hai hamare next topic mein, lecture mein. So some of the major ecosystem. अब पाकिस्तान में मेजर इकोसिस्टम कौन से हैं? माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहली बात, यहाँ से आपको शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं। मतलब वो आपको कह सकते हैं जी डिवीजन, राइट ऑन द डिवीजन ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, आपको ये टाइप्स लिखना होगी। फिर वो आपको इसमें से क्वेश्चन पूछ सकता है, एमसीक्यूज आ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सम मेजर इकोसिस्टम इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में कौन कौन से इकोसिस्टम जो हैं वो मेजरली हैं, पाए जाते हैं? नंबर वन टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट, नंबर टू कोनीफेरस अल्पाइन एंड बोरियल फॉरेस्ट, नंबर थ्री ग्रासलैंड इकोसिस्टम, नंबर फोर्थ डेजर्ट इकोसिस्टम, नंबर फिफ्थ टंड्रा इकोसिस्टम। इन पांचों के आपने नाम लिखने, अगर आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। सो टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट किन इलाकों में पाया जाता है? तो ये पाकिस्तान में किस जगह पाया जाता है आप देख लें जी, शोरगन एंड नीलम वैली में पाया जाता है। कोनीफेरस अल्पाइन एंड बोरियल फॉरेस्ट जो है ये नॉर्थर्न माउंटेन, जो शुमाली पहाड़ी है, कगान, मालम, जब्बा, दीर एंड चिलास, वहाँ पाया जाता है। ग्रासलैंड इकोसिस्टम गिलगत एंड कश्मीर, ये उन इलाकों में पाया जाता है, वजीरिस्तान, नॉर्थ कलात, लोअर चित्राल। डेजर्ट इकोसिस्टम जो मियाँ वैली एंड बखर में पाया जाता है। और टंड्रा इकोसिस्टम जो है ये माउंटेन जो है काराकोरम, हिंदूकश, वहाँ ये टंड्रा इकोसिस्टम पाया जाता है। यहाँ से आपको एमसीक्यूज आ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। सो इन ये जो तमाम बातें हैं ये तो अभी हमने डिस्कस कर ली, ये सारी थ्योरेटिकल हैं। अब कुछ एक चीज़ मैंने यहाँ पर डिस्कस करनी है, इसे ज़रा समझिएगा। जो अर्थ है, अर्थ के हवाले से हमने एक चीज़ डिस्कस करनी है कि अर्थ में कितने पोल्स पाए जाते हैं, कौन से हम अर्थ को उसके डिफरेंट रीजन्स में अभी डिवाइड करते हैं और कुछ टर्म्स सीखते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, वो टर्म्स आपको पूरे लेक्चर में सुनने को मिलेंगी। फॉर एग्जांपल, ये अर्थ है। फॉर एग्जाम्पल, अर्थ के सेंटर में एक लाइन गुजरती है। फॉर एग्जाम्पल, ये लाइन गुजर रही है, इस लाइन को हम इक्वेटर कहते हैं। इस लाइन को हम इक्वेटर बोलेंगे। अब इस इक्वेटर लाइन गुजरती है, अगर हम ये जो इक्वेटर लाइन है ये डिवाइड कर रही है टू पार्ट्स में, अर्थ को टू पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। अगर आप देखें तो एक पार्ट जो है, और एक और चीज है इसे मैं आपको बताना चाहूंगा। फॉर एग्जांपल, एक लाइन ये है, ये भी अर्थ को टू पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, और इसको हमने इक्वेटर का नाम दिया है, और इसे हम नाम देंगे प्राइम मेरिडियन। प्राइम मरीडियन इसे नाम देंगे, ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल, दिस वन इज़ दी वेस्ट, दिस वन इज़ दी ईस्ट, एंड दिस वन इज़ दी नॉर्थ, एंड दिस वन इज़ दी साउथ। अगर आप देखें तो जो इक्वेटर है, यहाँ पे हमारे पास दो पोल होते हैं, इसे हम कहते हैं नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ठीक हो गया। दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। इज इट क्लियर? सो यहाँ से अगर हम आगे चले हैं तो हमें ये, माय डियर स्टूडेंट्स, जब हम इसे ये जो फॉर एग्जांपल ये इक्वेटर ने एक पूरा ये हाफ कर दिया सर्कल, सो इसे हम हेमिस्फीयर कहते हैं। इस वाले हेमिस्फीयर को हम कहेंगे नॉर्थ हेमिस्फीयर, और जो इस वाला इस तरफ वाला इक्वेटर के इस साइड वाला हेमिस्फीयर है, जो हाफ सर्कल है, इसे हम कहेंगे साउथ हेमिस्फीयर। सो डैट इज़ दी पोल एंड डायरेक्शंस ऑफ द अर्थ। अगर हम फर्दर इसकी बात करें तो
जी बेटे, हमने कुछ टर्म्स डिस्कस करनी है. फॉर एग्जांपल, दीज आर दी थ्री टर्म्स, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड एंड आल्टीट्यूड. जो लैटिट्यूड है ये क्या होता है जी? एंगुलर डिस्टेंस ऑफ नॉर्थ एंड साउथ फ्रॉम इक्वेटर ऑफ अर्थ. जब भी हम लैटिट्यूड की बात करेंगे तो ये इक्वेटर से हम इसके डिस्टेंस को मेजर करेंगे. फॉर एग्जांपल, ये डिफरेंट लाइंस हैं जो इक्वेटर पे हैं, जो एंगल बना रही हैं इक्वेटर के साथ. फॉर एग्जांपल दिस वन, देन दिस वन, देन दिस वन. अब ये जो लाइंस हैं जो इक्वेटर पे एंगल बना रही हैं, फॉर एग्जांपल ये 30, ये 60, ये 80 एंड ये 90. सो ये जो लाइंस हैं जो इक्वेटर के साथ, याद रख लें, जो इक्वेटर के साथ एंगल बना रही हैं, एक डिस्टेंस बना रही हैं, एंगुलर डिस्टेंस, इसे हम कहते हैं लैटिट्यूड. और जब लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे सो ये डिस्टेंस होगा इक्वेटर के साथ नहीं, ये जो प्राइम मीडियन मेरिडियन है, ये जो प्राइम मेरिडियन है, इस लाइन के साथ जो डिस्टेंस होगा ईस्ट की तरफ और वेस्ट की तरफ. सो एंगुलर डिस्टेंस ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट, एंगुलर डिस्टेंस ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट फ्रॉम प्राइम मेरिडियन, इसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड. लैटिट्यूड क्या है? द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ नॉर्थ एंड साउथ फ्रॉम इक्वेटर, दिस वन इज कॉल्ड लैटिट्यूड. और लास्ट में एल्टीट्यूड क्या है बेटे? दिस इज वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ सी. इस सी लेवल से जिस तरह हम ऊपर चलते जाएंगे, ऊपर चलते जाएंगे, आप देख रहे हैं हाइट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. हाइट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. सो हाइट मेजर्ड फ्रॉम द सी लेवल टू अ गिवन पॉइंट, इसे हम कहते हैं आल्टीट्यूड. सो बेटा, दीज आर दी थ्री डेफिनेशंस. आप कमेंट जब करेंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको इनकी डेफिनेशंस भी आपको सेंड कर दूंगा. सो डैट वॉज द टॉपिक ऑफ द डे. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.